चलिए आज हम सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो बिफोर गोइंग इनटू डिस्कशन, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। जैसे आज से हम चैप्टर 2 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था सेक्शन 2, उसे अच्छे से पढ़ लिया है। अब चैप्टर 2 बेसिकली डील करता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 53 तक। यानी आप कह सकते हो फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 53 जो प्रोविजंस हैं वो कौन से प्रोविजंस हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। क्लियर? अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजंस हैं, और यहां पे क्या है, चाहे आपका प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है। ठीक है, तो पार्ट ए ऑफ चैप्टर 2 होल्ड्स द प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, और ये सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 37 तक है इसके प्रोविजन। और पार्ट बी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रोविजन को होल्ड करता है, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 38 से सेक्शन 53 तक। तो इस तरीके से चैप्टर 2 को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। क्लियर? चलो, यानी एक बात क्लियर है, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5, और सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। यानी इसमें जब हम प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो ये क्या है, मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखो, आपके बेर में जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, उसे एकदम सिंप्लीफाइड करके यहां पे आप समझोगे, ताकि दोबारा से जब आप बेर पढ़ो तो ये सभी बातें आपको रिकॉल होती रहे। चलो, तो सबसे पहले हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले इसे कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इसे स्प्लिट कर दिया और कुछ पॉइंट्स में हम इसे समझेंगे, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। चलो, सबसे पहले आप लिखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट। अब जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो दो तरीकों से हो सकता है, एक बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो यहां पे क्या है, कह रहा है बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वी मीन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट। क्या है? एक एक्ट है। यानी यहां पे क्या है, एक्ट ऑफ पार्टीज के बारे में बात हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पर्सन्स, जिसमें दो पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा एटलीस्ट, यानी मिनिमम टू पर्सन्स मस्ट बी देयर। दो पर्सन्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक ट्रांसफर और दूसरा ट्रांसफर। ठीक है, तो पॉइंट वन इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट, यानी जो ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी का वो दो पर्सन्स के बीच होगा। तो इट इज व्हाट, इट इज एक्शन ऑफ पर्सन्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पर्सन्स, कम से कम दो पर्सन्स हो। कौन कौन? एक ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, और दूसरा ट्रांसफरी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा, ट्रांसफर इंक्लूड्स पासिंग ऑफ राइट ओवर प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और पर्सन्स। देखो, अब जनरली जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं, उन राइट्स को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे पर्सन को। तो यहां पे कह रहा है कि जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का, हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी राइट्स हैं ट्रांसफरर के, वो ट्रांसफर हो जा रहे हैं ट्रांसफरी को। क्लियर? तीसरा क्या है, ट्रांसफर बाय लिविंग पर्सन्स। अब एक्ट ऑफ पार्टीज है, याद करो, तो एक्ट ऑफ पार्टीज क्या होता है, इंटर विवोस इन नेचर होता है। यानी जो प्र
प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा वो केवल लिविंग पर्सन के बीच में होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसफर बाय लिविंग पर्सन ओनली, यानी जो ट्रांसफर करेगा वो लिविंग पर्सन, जिसको ट्रांसफर होगा वो भी लिविंग पर्सन। चौथा एलिमेंट क्या है, कन्वे, कन्वे मीन्स व्हाट, ट्रांसफर। फिर कह रहा है कन्वे मस्ट बी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अब ये जो ट्रांसफर है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। व्हाट इज दिस, इसका मतलब ये है कि मान लो ए सबसे पहले क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है बी को, एंड इसने एक कंडीशन डाल दिया कि आफ्टर द डेथ ऑफ बी प्रॉपर्टी विल इमीडिएटली बी ट्रांसफर्ड टू सी। तो यानी एट प्रेजेंट आप देखोगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है बी को और इन फ्यूचर ट्रांसफर होगा सी को। तो ये दोनों तरह के एस्पेक्ट को होल्ड करता है, ट्रांसफर इन प्रेजेंट एंड ट्रांसफर इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो कन्वे मे बी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। सिक्स क्या है, प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, प्रॉपर्टी मीन्स देखो पहला पार्ट, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ठीक है। तो यहां पे मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह के प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में बात किया जा रहा है। और फिर कह रहा है ट्रांसफर टू अनदर लिविंग पर्सन, और जो ट्रांसफर होगा वो दूसरे लिविंग पर्सन को होगा। अब फर्दर नीचे प्रोवाइड किया गया है, कहा गया है जब हम लिविंग पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंपनी हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। कंपनी है या एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। जब हम लिविंग पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम तीन लोगों के बारे में बात करेंगे, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अगर एक बॉडी इनकॉर्पोरेटेड है तो उसके कुछ राइट्स उसे मिल जाते हैं, जैसे वो शू कर सकता है, कैन बी सूड, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है, क्लियर, ये सभी बातें। अब आगे कहता है कि बट नथिंग हियर इन कंटेन, आप बस समझ लो, शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू और बाय कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सिंपल ये कहता है कि अब अगर कोई एक्ट पहले से चला आ रहा है, अगर कोई लॉ पहले से चला आ रहा है, जैसे हमने देखा था कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि अगर कोई चीज का जो प्रोविजन है, ट्रांसफर का जो प्रोविजन है, वो अगर मान लो मुस्लिम लॉ में दिया हुआ है, जैसे गिफ्ट से रिलेटेड प्रोविजन अगर मुस्लिम लॉ में दिया हुआ है या हिंदू लॉ में दिया हुआ है, यानी अगर किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने का जो पूरा प्रोसीजर है वो किसी सेपरेट एक्ट में दिया गया है, तो वो सेपरेट एक्ट के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आई होप इस छोटे से वीडियो में आपने अच्छे से समझ लिया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो।